तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो है डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स स्ट्रक्चर। डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDRCS। ठीक है, तो ये 8th सेम का सब्जेक्ट है हमारा, और इसमें हम लोग डिज़ाइन और ड्रॉ करने वाले RCS स्ट्रक्चर्स, यानी कि बीम, स्लैब्स, स्टेयरकेस, वाटर टैंक, बहुत कुछ है इसमें जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। तो ये वाली वीडियो में बस हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले, यानी कि हम लोग बेसिकली DDRCS में करने क्या वाले, और थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे, और किस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा पेपर सॉल्व करने में, और कौन सी बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो DDRCS में हमें दोनों की ज़रूरत लगने वाली, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्क्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहते हैं, RCC स्ट्रक्चर जो रहते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। वो एक तो है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा होता है LSM। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। WSM यानी कि हमारा TRCPC, ठीक है, और LSM का 7th सब्जेक्ट, 7th सेम में हमारा सब्जेक्ट इसी नाम से था। ठीक है, तो दोनों का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर यूज़ होने वाला है DDRCS में हमको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में। तो सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि LSM और WSM दोनों का आप सिंगली रिइंफोर्स बीम वाले सेक्शन अच्छे से पढ़ लो। तो पढ़ना इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस आपको आसान पड़ेगा ये सब्जेक्ट, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें से थोड़े से इसके कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले छोटे छोटे, जो हम लोग वापस से इसमें पढ़ने नहीं वाले। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले के सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, तो वापस में इसको हम पढ़ने नहीं वाले, बस डायरेक्टली हमको उसको इम्प्लीमेंट करने वाले। जैसे कि आपको पता है कि MU लिमिटिंग, LSM में क्या होता है, Fe415 का, Fe415 क्यों ले रहे हो, क्योंकि Fe415 ज़्यादातर स्टील होता है, 0.138 FC के BD². ठीक है, तो इसको मैं वापस से पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि Fe415 स्टील का MU लिमिटिंग का फॉर्मूला ये रहता है, और MU लिमिटिंग क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए, जो कि हमने LSM में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप LSM और WSM में आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा तो SRB दोनों का आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और WSM में से आपको मैं डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स पढ़ने के लिए रिकमेंड करूँगा, जो कि होते हैं NJK, ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स बीम। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से स्लैब्स के भी आप थोड़ा सा जनरल देख लो, तो आपको इजी पढ़ने वाला है। जैसे कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। तो टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। तो सबसे ईजी जो टॉपिक रहेगा इसमें वो होगा स्टेयरकेस का, तो उसको मैं पहले लिखता हूँ, स्टेयरकेस डिज़ाइन। तो स्टेयरकेस में हमारे पास दो टाइप के स्टेयरकेस पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत टाइप के स्टेयरकेस रहते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस में दो टाइप के हैं। पहला तो है डॉग लेगेड, स्टेयरकेस, और दूसरा है ओपन व्हील, स्टेयरकेस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस डॉग लेगेड अगर पूछा तो 12 से लेके 16 मार्क्स तक पूछा जाता है, और ओपन व्हील का आता है तो 16 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये जनरल है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। फिर सेकेंड टॉपिक जो रहेगा DDRCS में वो है रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स हमने शायद से JioTech 2 में पढ़ा था, लेकिन उसमें हम लोग कैपेसिटी या फिर उसके ऊपर जो सॉइल का जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसके बारे में कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हमने जो रिटेनिंग वॉल हमको ऑलरेडी गिवन रहती थी, तो अभी हम लोग एक्चुअल गिवन नहीं रहेंगे, हमको रिटेनिंग वॉल हमको डिज़ाइन करनी है। ठीक है, एक सॉइल प्रेशर के लिए। तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो होता है कैंटिलीवर, रिटेनिंग वॉल, और दूसरा जो है वो है काउंटरफोर्ट, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अगर काउंटरफोर्ट, सॉरी, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल पूछा जाता है तो वो वेरी कर सकता है, 12 से लेके 20 मार्क तक वेरी हो सकता है ये, इसका कुछ भरोसा नहीं होता। और काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और 99% ने कभी पूछा भी नहीं गया, और पूछा भी नहीं जाने वाला आगे भी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, अगर पूछा भी जाता है तो 32 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो होते हैं वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स में भी दो टाइप रहेंगे, एक तो होगा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, और दूसरा होगा सर्कुलर वाटर टैंक, ठीक है। तो अगर वाटर टैंक चैप्टर थोड़ा बड़ा है,
यहाँ पर खाली दो टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करने के लिए दो मेथड रहेंगे, एक आई एस कोड का मेथड रहेगा और एक अप्रोक्सीमेट मेथड रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक सब टाइप बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वाटर टैंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है। और फिर फोर्थ, और इसका मार्क्स का कुछ बता नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए इसके ऊपर चांस नहीं बोलता मैं। फिर रहता है बिल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। तो बिल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर 32 मार्क्स का सम आता है, उसमें हमको डिज़ाइन करना रहता है स्लैब्स एंड बीम्स, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये 32 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोनों मिलके। इसमें बस डिटेलिंग का और स्लैब्स, यानी कि जैसे कि हमने पहले के पार्ट में सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स डिज़ाइन किए थे, लेकिन इस केस में हम लोग कंटिन्यूस स्लैब्स डिज़ाइन करने वाले, ठीक है। फिर फिफ्थ, रैप फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में बहुत सारे टाइप है करने के लिए, लेकिन उसमें से हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप करने वाले हैं, स्लैब वाला, ठीक है। तो वो भी आता है 16 से 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है सिलेबस DDRCS का न्यूमेरिकल पार्ट में, और थोड़ी थियोरी भी आती है इसमें से, तो इसके लिए मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, थियोरी, ठीक है। तो आप प्लान करो आपको कैसे इसमें अप्रोच करना है, हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कैसा क्या करना है, ठीक है। तो ये है DDRCS का सिलेबस। फिर इसके लिए मैं अभी जो बुक्स रिकमेंड करूँगा वो है, पहले तो है BC पुनिया, ठीक है। उस बुक का नाम कुछ तो RCS डिज़ाइन है, ग्रीन कलर की बुक है। फिर रामामृतम अच्छी बुक है, रामामृतम थोड़ी हेवी और बल्कि है, उसमें आपको LSM TRCVC भी मिल जाएगा, WSM अल्टीमेट थ्योरी मेथड भी मिल जाएगा, और अपना DDRCS भी मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी बड़ी बुक है, 1200 पेजेस की और A4 साइज़ के पेजेस है उसके, ठीक है। उस बुक का नाम चाहिए डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डायरिंग की, हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है, लेकिन ये MU इसको रिकमेंड नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन ये बुक अच्छी है, ठीक है, आप इसको रिफ़र कर सकते हो। फिर रामोथम के बाद मैं आपको रिफ़र करूँगा वही शाहिन कार्वे, उसका भी डिज़ाइन रीइंफ्रास्ट्रक्चर करके ऐसे कुछ एक बुक का नाम है। और फिर एक लास्ट में आता है जो हमने TRCVC में यूज़ की थी, शायन काले करके, ठीक है। थोड़ा लो लेवल की बुक है लेकिन काम कर देती है, ठीक है। इसमें हमारा पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होगा, लेकिन शायद से वाटर टैंक और एक दो टॉपिक रिटेनिंग वाले जैसे टॉपिक कवर होते हैं। तो आप इसको लीस्ट, आप अगर आपके पास TRCVC की बुक पड़ी रहेंगी तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और एक जो मेन बुक आपको लगने वाली वो है IS कोड, ठीक है। जैसे DDSS में आपने IS कोड 800 यूज़ किया था, अलग अलग फार्मूला और क्लॉजेस यूज़ करके जो डिज़ाइन करते थे उसके लिए, तो इसमें भी IS कोड 456 यूज़ होने वाला है। ये आपको एग्ज़ाम में अलाउड रहता है, लेकिन कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि डायरेक्टली सब लोग स्टेप्स लिखते हैं और स्टेप्स रट्टा मार के सब सॉल्व करते हैं, इसलिए ज़्यादा कोई IS कोड यूज़ नहीं करता। लेकिन हम लोग IS कोड पैरेलली यूज़ करेंगे कि कैसा यूज़ होगा एक सम सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि IS कोड भी आप एक रखो। अगर आपके पास IS कोड नहीं रहता तो फिर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, तो IS कोड ऑफ 456 का PDF भी आप फिलहाल के यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कंफर्टेबल हो IS कोड यूज़ करके, तो आप उसका प्रिंट मार के या फिर किसी का सीनियर से जेरोक्स लेके कॉलेज में या फिर पेपर में यूज़ कर सकते हो उसको। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो, आपको खाली स्टेप्स रट्टा मार के सॉल्व करने पेपर, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो IS कोड यूज़ करना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको अलाउड रहता है, ठीक है। तो बस इतना सा मैं आपको बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बस उसके सब्जेक्ट के बारे में जो जानना था वो मैंने ये वाली इंट्रोडक्शन के पार्ट में बता दिया आपको। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे हमारा सिलेबस। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्टेयरकेस डिज़ाइन, जिसमें हम लोग पहले तो हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं डॉग लेगेड स्टेयरकेस, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ओपन वेल स्ट्रक्चर, और इसी सिक्वेंस से हम जानने की कोशिश करेंगे, तो हमको आसान पड़ेगा और DDR से सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।